गई 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 अपनी बेबी भाई गई। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, याद कर रहे होंगे थोड़ा बहुत। मुझे लगता है बहुत याद आ रही है आप लोगों को, काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रखे हैं, यार भैया व्लॉग नहीं आ रहा, भैया व्लॉग नहीं आ रहा। तो भाई आज पूरी स्टोरी खोली जाएगी, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है अपने साथ। सो भाई लोगों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ बातें। यार पहले ना मेरे को काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि आप व्लॉग नहीं ला रहे हैं, वो मतलब आपकी याद आ रही है, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगा। वहाँ तक मुझे भी आप लोगों की याद आ रही थी यार, मुझे भी इंस्टाग्राम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और यूट्यूब की भी। सो भाई लक मैं वहाँ एक्टिव नहीं हो पा रहा था। क्यों एक्टिव नहीं हो पा रहा था यार? क्योंकि मेरा ना शॉप का, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, सीज़न चल रहा है। मेरा काफ़ी प्लान था, मेरा ट्रिप भी गया, अभी मेरा सीन भी था यार कि अपन चलेंगे स्पीति या फिर तमिलनाडु। भाई वो सब सर रुक सा गया है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। शेड्यूल इतना बिजी चल रहा है कि यार पूछो मत भाई, इतनी हालत ख़राब हो रखी है। सुबह जाओ रात को वापस आ रहा हूँ भाई, मतलब मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भी रीड नहीं कर पा रहा, सीरियसली मैं घर वालों को भी टाइम नहीं दे पा रहा। सो आई एम रियली सो सॉरी गाइज। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि साहिल भैया की तो फट गई, साहिल भैया तो अब यूट्यूब पे आ ही नहीं सकते, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया, मैं यूट्यूब पे कोई फेम कमाने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ यूट्यूब पे आया हूँ अपनी मेमोरीज रखने के लिए। सो साफ बात करता हूँ, देखो यार आज की डेट है ना, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कब तक है कब तक नहीं है। तो यार मैं ना मेमोरीज़ एक ऑनलाइन रखना चाहता हूँ कि हाँ आप लोग भी एंजॉय करो उसको, और कल को मतलब काफ़ी बंदे हैं जो एंजॉय करेंगे कि हाँ यार मैंने बड़ी बथेरी मस्तियाँ ली हैं। तो अपन छुपा के नहीं रखना चाहते यार। और बाकी अगर ये सोचते हो कि भाई मैं डीमोटिवेट हो गया या फिर मुझे इंस्टाग्राम से हवा निकलती है, यूट्यूब से हवा निकलती है, डिजिटल लाइफ से हवा निकलती है, नहीं भाई, पहले मैं अपना घर बार सब कुछ संभालना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये सब कुछ करूँगा, ठीक है। आप लोग मेरी केयर करते हो यार, आप लोग बहुत याद करते हो, मैं आपकी भी केयर करता हूँ, आपकी भी, मैं भी आपको काफ़ी याद करता हूँ, बट स्टिल यार क्या करूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा 1% भी। सो आई एम रियली सो सॉरी गाइज कि आगे से मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि रेगुलर व्लॉग आएंगे, अभी कुछ भी नहीं पता भाई लोगों कब कहाँ कैसे काम पड़ जाए। बट आज है ना मेरे पास आपके लिए दो आइटम है दिखाने के लिए, जो मैंने काफ़ी टाइम से मंगवा रखे हैं, अब आप ये भी लगा लो कि वो भी मैंने यूज़ नहीं किए। तो चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये है इंस्टा 360 बुलेट टाइम बंडल। तो ये भाई बेसिकली मैंने मंगवाया है रील्स वगैरह के लिए, क्योंकि आया है वह 360 कैमरा, तो ये उसी में ही काम आएगा प्रॉपर तरीके से, बट और कैमराज में वर्क नहीं करेगा, करने को करता है बट यार वो मज़ा नहीं आएगा। एक आती है भाई सब बुलेट टाइम, बुलेट टाइम का मतलब होता है ये ना राउंड करती है ये चीज़। और इसके बाद भाई ये ट्राईपॉड भी बन जाता है, इसके ऊपर अपन 360 कैमरे लगा के ट्राईपॉड भी यूज़ में ले सकते हैं। साथ में आती है भाई लोगों इसकी सेल्फी स्टिक, जो करीबन 120 सेंटीमीटर की है। ये इसका फुल साइज़ है भाई लोगों आपके सामने, बट इसकी भी जुगाड़ कर दिया मैंने, कि एक्सटेंड वाली मंगवा ली है भाई। ये इतना इसका साइज़ है, करीबन चार पाँच फिट की स्टिक है ये। सो भाई लोगों ये सिर्फ मैंने मंगवा रखी है रील वगैरह के लिए, बट इसलिए यार आज रील बनाने का मन था तो एक अपने साथ हो गया पंगा। इसमें आता है डायरेक्ट स्क्रू, अगर आपको ये दिख रहा होगा तो अपने को जो चाहिए भाई वो कसने वाला माउंट चाहिए, उसके ऊपर वो स्टिक वाला माउंट आएगा, तो वो मैंने कल देखने के बाद ही ऑर्डर किया, दिमाग ख़राब हो गया। वो आएगा फ्राइडे और सैटरडे को, देन उसके बाद वो वाली जो रील एक सोच के बैठा हूँ वो बनेगी भाई लोगों संडे मंडे ट्यूसडे को, नेक्स्ट वाले ट्यूसडे को ही। तो भाई लोगों आप लोग भी प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट करो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अगर जो भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं है, जो मेरी ये रील्स देखना चाहता है, तो प्लीज़ मेरे को, मेरी नीचे साइड में आईडी आ रही होगी, तो प्लीज़ मेरे को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे, अपना प्यार दिखाना भाई लोगों। बाकी फुल ऑन मच चकाचक आपके लिए रील लेके आने वाला हूँ, फर्स्ट क्लास। ये तो गया भाई लोगों पहला आइटम। एक अपन ने मंगवाया भाई मोटरसाइकिल माउंट्स,
ये भी इंस्टा 360 का ही है, मोटरसाइकिल बंडल के नाम से आता है ये, मोटरसाइकिल माउंट्स बंडल। तो बेसिकली भाई इसमें ना सारे के सारे मतलब छोटे छोटे माउंट्स हैं कहीं ना कहीं फिटिंग वगैरह करने के लिए, जिसमें से अभी हम दो माउंट आज फिट करने वाले हैं। लेट मी शो यू वन ऑफ दिस माउंट। आपको समझ नहीं आएगा बट मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, ये एंगल वगैरह पे लगाने के लिए होता है। और ये इसका साथ का साथ ही है भाई, ये वाला जो रखा हुआ है इसमें ही फिट होता है। और भाई एक ये आएगा, ये अपने यूट्यूब मतलब बहुत काम देने वाली है ये चीज़ रील के लिए। तो आज ये यूज़ करने वाले हैं, ये दो भी यूज़ करने वाले हैं और शायद से इसमें से कुछ यूज़ करें। इसमें वही नॉर्मल स्क्रू वगैरह और ये सारा कुछ छोटे मोटे जो आते हैं वही है। तो बेसिकली जो मेरे को मेन नीड थी वो इन दोनों की थी और वो ये दो मैंने इसमें ही आए। तो ये कहीं मिलते नहीं है भाई अलग से, इंस्टा 360 उसमें ही मिलता है, ये मेरे को मंगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज भाई भयंकर वाली रील बनाने वाला हूँ अगर बन जाएगी तो, नहीं तो भाई एक वो जो छोटा सा माउंट जो बोल रहा हूँ एक बार वो आ जाएगा, उसके बाद ही वो रील बन पाएगी। बट कोई नहीं भाई लोगों, तब तक के लिए वेट कर लेंगे अपन और इसको अपन वापस से बॉक्स में डाल देते हैं। सो भाई लोगों माफ़ करना यार अगर कोई गलती हो गई हो तो, यार कुछ भी यार मतलब बहुत दुख हो रहा है यार, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं यहाँ वापस आया हूँ। तो आई एम रियली सो सॉरी गाइज, बट अभी ना भाई राइड पे लेके चलेंगे, खाली नहीं बैठाएंगे आपको। मैं और आशु ने रात को बोला तो था, नॉट बी श्योर कि वो अभी उठा होगा या नहीं उठा होगा, उसको फ़ोन करता हूँ, खुद भी पहले जाके नहा के आता हूँ, फिर उसके बाद निकलते हैं भाई राइड पे। और रील बनाना वैसे स्टार्ट हो चुकी है, दो रील तो मैंने स्टार्ट कर दी है बनाना, बट स्टिल जल्दी मिलते हैं आपसे और जल्दी से निकलते हैं राइड पर। तो सीधा मिलते हैं आपसे डायरेक्ट बाइक पर और करता हूँ मैं आशु को कॉल कि भाई कहाँ रह गया यार, चलना है नहीं चलना। तो चलो जी मिलते हैं आपसे जल्दी, फिर आपसे सीधे डायरेक्टली बाइक पर। सो भाई लोगों मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि यार इसकी बैटरी जाने वाली है, तो आज ये दिन आ चुके हैं कि अपन इस पे धक्का लगवा रहे हैं। और भाई पीछे से धक्का दे रहा है अंकित भाई। भाई ये हाल हो गया है कि हम बाइक पे धक्का लगवा रहे हैं, क्या हो गया बेबी आपको? भाई बेबी की बैटरी ख़त्म, बेबी की बैटरी डेड हो चुकी है और सर पे आ चुका है खर्चा। और अभी मैंने फ़ोन करके पता किया था भैया पाथ पेवर्स पर, तो भैया बता रहे कि यार 18-19 हज़ार रुपये की बैटरी आएगी इसकी, शेडो कंपनी की। तो खर्चा आ चुका है सर पर। भाई लैला से आ गए सीधा मजनू पर, क्यों आ गए भाई? आप लोगों को दिख ही गया है भाई सारा कुछ, क्योंकि यार भूसा की हुई बैटरी ख़राब। बैटरी तो मैंने अभी चेक करवाई तो वो सही बोल रही है, पता नहीं क्या इशू आया है, बट जल्दी से किसी ना किसी की जुगाड़ करके इसका करते हैं यार सही से, क्योंकि बड़ा दिल में दर्द हो रहा है, अपनी बेबी ख़राब है जहाँ से तेरा मन करे। तो भाई पूछो मत, बहुत बुरा हाल है। ये तो ये अच्छा था कि आशु और सारे साथ में ही थे, तो अंकित आ गया था, अंकित से मैंने टोइंग अप करवा के घर पहुँच गए थे भाई। तो अभी निकल रहे हैं भाई सीधा आगरा के लिए, क्योंकि दो तीन काम भी करने अपने को। और तो क्या ही बोलूं यार, बुद्धि ख़राब हो रखी, क्या क्या रीले सोच के निकले थे घर से भाई, सब मूड ख़राब हो गया। और आज मन था मेरा आशु सबका कि हम भाई अच्छे से एक साथ रील बनाएंगे कोलैबोरेशन में, बट क्या ही बोलूं भाई, अब कोई नहीं आशु भाई, नेक्स्ट ट्यूजडे तक वेट कर ले, इसका करवाता हूँ यार, इसको करते हैं ठीक, फिर निकलते हैं कहीं ना कहीं। आज बात करता हूँ भाई पाथ पेवर्स पे और योगेश भी ऐसे ही बात करते हैं, फिर चलते हैं यार निकलते हैं कहीं ना कहीं, इसको करवा के लाते हैं अपनी बेबी को। मुझे लग रहा है कहीं चूहों ने कोई तार वार ना काट दी हो यार, हे भगवान ऐसा मत ही करवाना यार। सो भाई लोगों पहले ही काफ़ी लेट हो चुके हैं, तने आ चुका है भाई आशु मैं और ये आशु ने भाई 360 भी ले लिया है और इंस्टा गोटू भी ले लिया है मेरा, अपने लिए कुछ छोड़ा नहीं, मेरे लिए सारा कुछ ले लिया। पहले डलवाएंगे भाई पेट्रोल और आगे कोरे टोल प्लाजा पे बैठ के वहीं कुछ खाएंगे छोटा मोटा हल्का फुल्का जो भी होगा। तो भाई दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे से, बाबा जी मेहर करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो निकल चुके हैं भाई यहाँ से राइड के लिए, सारा सर्किल क्रॉस कर दिया है और आशु अपनी रील पे फोकस करते हुए, आशु का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है।
सो भाई लोगों ये है ना थोड़ा सा रेस वेस लगाने की सोच रहे हैं, 0 to 100 पहले कौन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन थोड़ा आगे चलते हैं। भाई क्या पागलों की तरह गए हैं यार ये लोग, यार भाई क्या पागल हैं भाई ये लोग। और भाई इधर में ना मैंने रियर में एक कैमरा लगा दिया है आशु की बाइक पर, जिससे थोड़ा एक रिकॉर्डिंग आ जाए यार अच्छे से, थोड़ी अच्छे मतलब फुटेज वगैरह आ जाए रील वगैरह के लिए, तो थोड़ा एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है भाई लोगों। यार जाना था आगरा बट जा नहीं भाई किसी रीज़न से, बिकॉज ऑफ आशु को घर पर काम है, मुझे भी काम है और तन्या भाई को जल्दी पहुँचना है। सो इट्स ओके यार नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अभी वापस के लिए निकल चुके हैं, फतेहपुर तक ही ट्रिप किया था अपन ने, तो फतेहपुर से वापस जा रहे हैं भाई घर के लिए। और रील्स वगैरह काफ़ी अच्छी अच्छी बना ली है, मतलब बनाई गया बन जाएंगी, मतलब एडिटिंग करनी है, रिकॉर्ड्स हो चुकी हैं अच्छे से। सो भाई लोगों एज यूजुअल यार आशु जा चुका है घर पर और मैं टैलेंट से निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। और भाई लाइफ है ना इतनी बिजी चल रही है पूछो मत, अभी टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं, मैं घर जाऊंगा, सिर्फ मेरे को 15-20 मिनट का ही टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद मुझे जिम भी जाना है यार। और भाई क्या ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी मतलब अलग लेवल की हो चुकी है, मतलब कुछ पता ही नहीं लगा यार ये 2 महीनों में मेरी ज़िंदगी कैसे कैसे पलट चुकी है, मुझे खुद से ही समझ नहीं आ रहा, इतना बिजी रहने लगा हूँ यार जिसकी कोई हद नहीं है यार। मतलब एज़ुअल भाई लोगों आपको पता है कि भूसा ख़राब हो चुकी है और भूसा का जाने का टाइम आ चुका है, भाई आ चुका है आर एस पी के, यहाँ ये लोड होने वाली है भाई बहुत जल्दी बाइक, और बाइक का हो गया भाई जाने का टाइम, बाइक का हो गया भाई जाने का टाइम। तो होप करता हूँ 2-3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएगी, शायद से कोई यार वायरिंग शॉर्ट कर गई है जिसकी वजह से, आपको याद है कि पहले LED शॉर्ट हो गई थी, LED के बाद अब बाइक ही बंद हो चुकी है, बट स्टिल कोई बात नहीं यार अब जल्दी से बाइक अपनी वापस से आएगी, तो पहले इसको जल्दी से कराते हैं लोड फिर आपसे मिलते हैं वापस से। सो भाई लोगों टाइम आ चुका है इसको बाय बाय करने का, एज सुन एज पॉसिबल इसको जल्दी से वापस लाएंगे, होप करता हूँ संडे को आयुष फ्री रहेगा तो मैं और आयुष जाके जेटा से जाके इसको लेके आएंगे और अंकित भी, तो संडे तक के लिए करते हैं इसको बाय बाय बेबी। सो फाइनली टाइम हो चुका है भाई, अपनी बेबी वापस जा रही है और ये ट्रक में लोड हो चुके हैं भाई, हाँ देखो और अपनी बेबी का जाने का टाइम हो गया है, बेबी थोड़ी जल्दी आ जाना बहुत याद आएगी आपकी। फाइनली भाई जा चुकी है बेबी, गई 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 अपनी बेबी भाई गई, तो एज सुन एज पॉसिबल 2-3-4-5 दिन जो भी लगेंगे तैयार हो जाएगी बाइक, फिर इसको जाके लेके आएंगे और रेडी है मेरे साथ आयुष और अंकित दोनों जाने के लिए भी। संडे को हम जाएंगे जल्दी से बाइक शाइक लेके आएंगे अपनी बेबी को वापस से। तो एनीवेज अभी लेट हो रहे हैं, अंकित के आज डैड का बर्थडे है तो जाना है फंक्शन में, जल्दी से निकलते हैं। टिल देन तब तक के लिए आपसे चाहता हूँ इजाज़त, टिल देन बाय बाय टेक केयर।